हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी व वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जिला कांगड़ा के धर्मशाला पहुंचे। यहां पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक और कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। धर्मशाला पहुंचने पर राजीव शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहे, साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी स्वागत करने पहुंचे। ऐसे में नियमों की अवहेलना होती हुई भी नजर आई। वहीं अगर बात करें कि प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की, तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के चुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। टिकटों की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आयोग तिथियां निर्धारित करेगा तो पार्टी की ओर से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ऐसे में वे यहां पर आए हैं और यहां पर पार्टी के सभी कार्यों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर कहा कि किसी भी तरह की खेमेबाजी या गुटबाजी पार्टी में नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत खेमाबाजी पार्टी में जरूर हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी में है, तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र पर महंगाई को लेकर भी कड़ा हमला बोला और सरकार को आड़े हाथों लिया। क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कांगड़ा क्षेत्र में विशेष रूप से आए हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं जानने और यहाँ के बारे में हम आगे चुनाव में हमारी क्या रणनीति है उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए। पूरे हिमाचल में 2022 की तैयारी क्या है इसके बारे में विचार विमर्श होगा। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी कमेटी की, राजनीतिक रणनीति समिति की भी बैठक है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक है, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता, सारे महत्वपूर्ण नेता भाग ले रहे हैं और माहौल नीचे जनता से बहुत अच्छा है कि हमारी 2022 में प्रचंड बहुमत से जीत होगी, इस तरह का माहौल लग रहा है और ये तीनों उपचुनाव भी जीतने की पूरी संभावना है। सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल और गुस्सा नीचे तक है हिमाचल प्रदेश में, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं है सिवाय भाषणबाजी, बड़े बड़े पोस्टर, विज्ञापन, होर्डिंग, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया असलियत में। तो जनता बेइंतहा दुखी है महंगाई से, कितना 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल, डीजल 100 रुपये छूने जा रहा, लोगों ने सोचा नहीं था कि इस कदर स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो है इन सब बातों को देखते हुए लोगों में गुस्सा है, हम रणनीति बनाएंगे, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे और हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। प्रत्याशियों को लेकर के सर कब तक रहेगा, कब तक प्रत्याशी जो है उपचुनाव, जल्दी उपचुनाव तो घोषित हो तो प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। उपचुनाव के भी तो चुनाव आयोग ने नहीं घोषणा की, जैसे चुनाव आयोग घोषणा करेगा हम प्रत्याशी घोषित कर देंगे। कांग्रेस में जो यहाँ लगातार खेमेबाजी होती रही है उसके कारण पहले भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, क्या 2022 के लिए पार्टी एकजुट होकर? देखिए, ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं जिसमें थोड़ी बहुत खेमेबाजी ना हो। सबसे बड़ी खेमेबाजी तो भाजपा में, उनसे पूछा है सवाल, उनके यहाँ कितनी बड़ी खेमेबाजी है, उनके यहाँ तो भयानक खेमेबाजी है। हमारे यहाँ तो ठीक है, सब मित्र फिर भी सब साथ बैठते हैं और वो रास्ता, उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई खेमाबाजी नहीं, सब मिलजुल के लड़ेंगे।